फ्रेंड्स आज तारीख हो चुकी है 22 फरवरी 2022। फ्रेंड्स आईपीएल 2022 को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अब नहीं होंगे आईपीएल का हिस्सा, वहीं एक युवा खिलाड़ी को बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कप्तान। वहीं मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद दिया है आईपीएल को लेकर बड़ा बयान। सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप ही आईपीएल के बड़े फैन तो प्लीज माय यूट्यूब चैनल नेशनल क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती दौर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलियाई तगड़े खिलाड़ी मिचेल पार्क्स, डेविड वार्नर, जोश हेजलवुड और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान का दौरा करने के कारण आईपीएल के शुरुआती दौर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा अगले 48 घंटे में होने वाली है। अगर उससे पहले ये खिलाड़ी पाकिस्तान दौरे में जाने से मना कर दे तो उनका चयन नहीं किया जाएगा, तो कुल मिलाकर आईपीएल में खेल सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, ये खिलाड़ी पर डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तान जाना चाहे या नहीं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया अनुबंधित खिलाड़ियों का 6 अप्रैल से पहले आईपीएल खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, इससे कि आईपीएल फ्रेंचाइजी को काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर जो टाटा आईपीएल 2022 से निकल कर आ रही है, सनराइजर्स हैदराबाद के कोच मुथैया मुरलीधरन ने सनराइजर्स हैदराबाद के युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को इनका उपकप्तान बनाया है। कुल मिलाकर कप्तान पहले से ही केन विलियमसन करते हुए नजर आएंगे। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने फ्यूचर प्लानिंग करते हुए युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया है, जो कि आने वाले समय में और लंबे समय तक सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर सकते हैं। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की कप्तानी 2013 में युवा रोहित शर्मा को दी गई थी, उसी की तर्ज पर अब सनराइजर्स हैदराबाद ने युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया है। वहीं मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहने के बाद बड़ा बयान आया है और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल के अलावा 2 अन्य लीग्स में भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग क्या सुरेश रैना ने सही कहा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।